हेलो एवरीवन आई वेलकम यू टू स्कूल इंडिया फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया और मैं हूं आपकी साइंस टीचर हम कंटिन्यू करेंगे क्लास एट साइंस का चैप्टर फोर विच इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स अब इनका रिएक्शन देखते हैं वाटर के साथ क्या रहेगा लेट सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद वॉटर इसके लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे हम नहीं करेंगे आप अपने स्कूल में को वो परफॉर्म करेंगे आपका जो सोडियम मेटल का पीस आप लोग इस एक्सपेरिमेंट में यूज करेंगे वो एक चावल के दाने से ज्यादा बड़ा ना हो इट टू बी रियली रियली स्मॉल इन साइज ओके टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाई द टीचर ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशन

कॉटन आपने क्या करना है छोटा सा टुकड़ा लेना है किसका सोडियम मेटल का उसे आपने अपने डायरेक्ट हाथों से भी हैंडल नहीं करना है उसके बाद आपने टिश्यू से उसे ड्राई करना है एंड उस टुकड़े को आपने इस बीकर में जो आपने पानी लिया है उसके अंदर डाल देना है पहले सॉरी इसको कॉटन में आपने लपेटना है फिर आपने इसको पानी में डालना है वु द सोडियम पीस रैप्ड एंड कॉटन इन टू द बीकर ऑब्जर्व केयरफुली अब आपने पानी में डाल दिया कॉटन में लिपटा हुआ एक छोटा सा सोडियम का टुकड़ा इसकी ऑब्जर्वेशन हम करेंगे देखिए कितने ब्राइटली ये जल रहा है यहाँ पे नीचे इसमें पानी है ये ये वाला जो पार्ट है ना ये पानी है तो ये आपको जलता हुआ नहीं दिखेगा बट उसके ऊपर एक छोटा सा एक चावल के दाने जितना या फिर एक गेहूं के दाने जितना छोटा पीस ऑफ सोडियम कितनी ज्यादा एनर्जी और लाइट क्रिएट कर सकता है वो देखिए वेन रिएक्शन स्टॉप टच द बीकर वॉट डू यू फील रिएक्शन के खत्म होते ही आप बीकर को टच करके देखिए कैसा लगता है आपको बीकर ऑफकोर्स गर्म लगेगा ज द बीकर बिकम हॉट टेस्ट द सोल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर अब आपने ये जो सोल्यूशन है इसको रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर से टेस्ट करना है क्या ये सोल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है बताइए इट हैजू बी बेसिक बिकॉज सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ वेरी वेरी स्ट्रांग बेस म do do so. तो बहुत ज्यादा अग्रेसिवली रिएक्ट करता है पानी के साथ वो आग पकड़ लेता है बट सब मेटल्स इस तरीके से रिएक्ट नहीं करते फॉर एग्जाम्पल अगर आप आयरन की बात करो आयरन ऐसे रिएक्ट नहीं करता आयरन बहुत स्लोली रिएक्ट करता है पानी के साथ स्लोली स्लोली ओवर दीरियड से वन वी टू वीक टेन वीक से वो रस्ट पकड़ता है और धीरे धीरे जो आयरन है वो कम्पलीटली रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है so, with water very हमारे नॉन मेटल्स है वो वॉटर uh, के साथ इतना एग्रेसिवली रिएक्ट नहीं करते इनफैक्ट uh, वो वॉटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते बट वो हवा के साथ बहुत ज्यादा एग्रेसिवली रिएक्ट कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अब हम फॉस्फरस की बात कर लेते हैं फॉस्फोरस इज अ वेरी वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल वो आपने बाहर खुला छोड़ दिया वो वहां भी आग पकड़ सकता है देयरफॉर देयरफॉर उसे इट कैचेस फायर इफ एक्सपोज्ड टू टू एयर एंड प्रिवेंट दैट द कांटेक्ट ऑफ विद एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज स्टोर्ड इन वाटर उसे पानी में स्टोर करके रखा जाता है ताकि ये आग ना पकड़े ओके okay? अब एसिड्स के साथ ये दोनों कैसे रिएक्ट करते हैं बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स देख लेते हैं लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बिहेव विद एसिड्स देखिए एक मैं आपको जनरल आइडिया दे देती हूं बात ऐसी है कि जब कोई भी एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं आपस में तो वो क्या देते हैं सॉल्ट प्लस वाटर ये तो आप जानते ही हैं लेकिन जब भी कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमें देता है एक सॉल्ट और वाटर की जगह पे हाइड्रोजन गैस ये आपका क्लासिक प्रिंसिपल है ओके हाइड्रोजन गैस जब भी फायर के आसपास आएगी तो वो एक पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है ये भी आपने ध्यान रखना है इसी के बेसिस पे अब हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं आपकी पहले वार्निंग है वार्निंग क्या है भैया कीप द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब अवे फ्रॉ योर फेस टेस्ट्यूब होल्डर टू होल्ड ट्यूब ये सारी चीजें आपके टीचर्स को पता होती हैं जो भी प्रिकॉशंस यूज करने होते हैं और योर टीचर्स नो अबाउट ऑल दीज प्रिकॉशंस एंड दे विल गाइड यू टू कीप द टेस्ट ट्यूब वाइल दिस एक्सपेरिमेंट इज गेटिंग परफॉर्म टू कीप द टेस्ट ट्यूब अवे फ्रॉम योर फेस और बॉडी एंड यूज अ टेस्ट ट्यूब होल्डर फॉर हैंडलिंग द टेस्ट ट्यूब ओके अब हमने इस एक्टिविटी में करना क्या है We have to take samples of metals and -metals. हमने मेटल्स मेटल्स और कुछ नॉन के लेने हैं। सेपरेट डाल ए बी सी डी ई एफ करके हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर ऐड 5 एम ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू ट्यूब वन बाय वन आपने कुछ नहीं करना एक आपने डालना है डाइल्यूट एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि एच सी एल ओके और एक आपने डालना है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी एच टू एसओ फोर एच एक है एच टू एसओ फोर और एक है एच सी एल इन दोनों का आपने डाइल्यूट लेना है कि बहुत मतलब पानी के साथ मिले हुए इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लेने ये बिल्कुल प्योर एसिड नहीं लेने हैं और फिर इस एच सी एल में आपने छोटे छोटे ये वाले टुकड़े डालने हैं मैग्नीशियम का डाल दिया एल्यूमिनियम फॉइल डाल दी आयरन की फिलिंग्स डाल दी कॉपर डाल दिया छील के चारकोल डाल दिया और सल्फर डाल दिया इसमें से देखिए ये जो शुरू के चार हैं कॉपर तक ये हैं हमारे मेटल्स और इसके नीचे है ये नॉन मेटल्स तो इतने ये छह चीजें अगर आप स्टडी कर लेंगे तो आपको इवेंचुअली समझ में आ जाएगा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ ओके okay? आपने एक बार तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रूम टेम्परेचर पर लेना है और एक बार आपने वार्म करना उसे गर्म करना है सिमिलरली यू हैव टू टेक द सल्फ्यूरिक एसिड एट रूम टेम्परेचर फॉर वन चेन ऑफ रिएक्शन एंड बताना है कि क्या क्या आपकी ऑब्जर्वेशन रही है आई वुड सजेस्ट की आप लोग एक ऑफलाइन क्लास में पहले ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म तो करो सो दैट यू एक्चुअली गेट टू नो कि क्या क्या होते हैं किस तरीके से इनका प्रोसीजर है अगर आपको एक बार ये समझ में आ जाएगा तो यहाँ पे ये टेबल भरना आपके लिए इजी होगा मैं यहाँ पे राम कहानी गा दू और आपको समझ में ना आए उसका तो कोई फायदा है नहीं बट आई वुड जस्ट टेल यू कि जो मेटल्स होते हैं वो जब भी किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं जो कि एक पॉप साउंड के साथ बर्न होती है एक्सपेरिमेंट अगर आप इसे परफॉर्म कर लेंगे तो आपके दिमाग में ये जो सिचुएशन uh, है एक पूरा सीन बैठ जाएगा ओके okay? भूलेंगे नहीं फिर आप इज देर डिफरेंस इन विच मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स डिफरेंस है नॉन मेटल्स जो है वो जनरली रिएक्ट ही नहीं करते हैं एसिड के साथ नॉन मेटल्स जनरली रिएक्ट नहीं करेंगे बट जो मेटल्स हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं वॉट कुड बी दॉप साउंड इन समी डू टू ड्यू टू वेन अ बर्निंग मैथ स्टेक इज ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब

टिकुलर मेटल इज वियक्ट विदाउट एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेटिंग द रिएक्शन इन लेबोरेटरी जब तक आप लैब में नहीं देख लेते कि किस तरीके से एक मेटल रियक्ट करेगा तब तक आप एग्जैक्टली exactly, श्योरली नहीं कह सकते कि क्या रिएक्शन आएगा ओके okay? अब आगे बढ़ते हैं रिएक्शन विद बेसिस डिस्कस करेंगे इसके लिए भी एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं इट इज ऑल्सो टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाई द टीचर ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर हैंडल्ड विद प्लास्टिक हाथ से नहीं उठाने हैं इसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड एन एच के क्रिस्टल्स यानी पैलेट्स को यूज करेंगे छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं इसके इस एक्सपेरिमेंट में हम पेलेट्स यूज करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के ओके okay? Prepare a fresh solution of sodium hydroxide in a test tube by dissolving 3 to 4 pellets in a 5 ml of water. Drop a piece of aluminium foil into it. Bring a burning matchstick at near the mouth of the test tube and observe carefully. हाँ जी तो आपने क्या करना है एक टेस्ट ट्यूब लेनी है उसमें पांच ml पानी लेना है और उसमें दो तीन छोटे छोटे टुकड़े पैलेट्स जो आते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के वो आपने एक प्लास्टिक की स्पैटुला से डाल देने हैं वो नया नया ताजा ताजा बना हुआ हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन हो गया उसमें आपने डालना है एल्यूमिनियम फॉइल का एक टुकड़ा उसका रिएक्शन होगा और उस रिएक्शन के बाद आपने उस टेस्ट ट्यूब के मुंह के पास एक जलती हुई माचिस की तिल्ली लेकर आना है और देखना है कि क्या होगा आप एक पॉप साउंड को एक्सपीरियंस करेंगे यानी पॉप करके एक साउंड आएगी वॉट डज द पॉप साउंड इंडिकेट

पढ़ेंगे बट अभी के लिए आप समझ लीजिए कि जो मेटल्स होते हैं जब भी वो रिएक्ट करते हैं इसके साथ किसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो वो एक हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं और हाइड्रोजन गैस जो है वो हमेशा एक पॉप साउंड के साथ बर्न करती है ओके okay? भाई नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सबसे पहले तो मैं आपको इसका एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ डिटेल में हम इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिस्प्लेसमेंट एक जगह से दूसरी जगह पे हटा देना अगर आप क्लास में बैठे हैं आप दो बच्चे बैठे हैं आ, आपका एक फ्रेंड आता है और कहता है कि भाई जो भी आपका नाम है एक्स वाई एक्सड मान लीजिए आपका नाम अमृत है आके वो कहता है कि अमृत प्लीज पिछले वाले बेंच पर बैठ जाओ मुझे यहाँ बैठना है तो उस बच्चे ने क्या किया उस बच्चे ने आपको डिस्प्लेस कर दिया ऑन दी अदर हैंड एक सिचुएशन और इमेजिन करो क्लास में आ, हर बार एक बच्चा है मान लीजिए कि साहिल नाम का और वो हर बार फर्स्ट आता है हर बार साहिल फर्स्ट आता है बट इस बार सरंदी प्रतिभा कोई भी xy z कोई स्टूडेंट है क्लास में वो जो हर बार सेकंड आती थी वो फर्स्ट आ गई तो उसने क्या किया डिस्प्लेस कर दिया साहिल को फर्स्ट पोजीशन से यानी हटा दिया और साहिल आ गया सेकंड पोजीशन पर जब आप अपनी चीजों को अपनी पोजीशंस को एक्सचेंज कर लेते हो दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट जब बाप पोजीशन चेंज की जाती है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए अपना और अपनी फैमिली इसका ध्यान रखिए एंड थैंक यू बाय बाय